हमने तो नरेंद्र मोदी जी से 35 ए मांगा था, उन्होंने बहुत बड़ा हमें तोहफा दिया है और वो 370 दाना जड़ से उखाड़ के रख दी। 99% लोग कह रहे हैं कि हम इसका स्वागत नहीं करते, हमारे साथ ये अन्याय है। अरे सुनिए, कौन सा मुल्क खड़ा हुआ आज दुबई के अंदर? हमारा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दुबई के अंदर जाते हैं, क्या बोलते हैं आप? क्या ये मसला नहीं है? मुझे बताइए, क्या शिमला एग्रीमेंट होकर के आए? क्या वो भारत सरकार ने नहीं किया था? ऐसा है कि पाकिस्तान जो है थरथर कांप रहा है। तीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा और 370 धारा का मुद्दा नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूँ। जी न्यूज के स्पेशल शो क्या कहता है इंडिया में आप सभी मेहमानों और दर्शकों का स्वागत है। ये जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए बना एक खास शो है। राहुल गांधी ने कश्मीर से लौटकर बयान दिया कि कश्मीर के हालात बेहद खराब, कश्मीर में लोग मर रहे हैं। द ग्रेट डिबेट शो क्या कहता है इंडिया में आज के हमारे मेहमान हैं अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष MS बिट्टा, राजनीतिक विश्लेषक सुभ्रांश राय, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कश्मीरी एक्टिविस्ट इरफान हफीज ग्लो। आपने कुछ पहले बात कही कि राहुल जी के ऊपर और कश्मीर के मुद्दे ऊपर कि कश्मीर हमारे देश का अंदरूनी मामला है। मामला ना था, ना है, ना रहेगा। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, ये तो कोई मुद्दा है ही नहीं। अब तो बात आ गई ऑक्यूपाई कश्मीर के मुद्दे के ऊपर कि ऑक्यूपाई कश्मीर किस तरीके से लेना है। आज कश्मीर के अंदर अब 370 धारा की चर्चा की जरूरत नहीं है। हमने तो नरेंद्र मोदी जी से 35 ए मांगा था, उन्होंने हिंदुस्तान की जनता को नहीं, पूरी दुनिया में बैठे हुए हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई को, उन्होंने बहुत बड़ा हमें तोहफा दिया है और वो 370 धारा जड़ से उखाड़ के रख दी, जो कभी 26/11 की घटना करता था, कभी पार्लियामेंट पे हमला करता था, कभी 120 लोग एक दिन के अंदर जयपुर के मारे जाते थे, कभी दीनानगर की घटना, कभी पठानकोट की घटना। उसकी जड़ क्या थी? उसकी जड़ कश्मीर थी। हमारा कश्मीरी युवक जिनके हाथ में पत्थर पकड़ाए जाते थे, जिनके हाथ में कंप्यूटर नहीं दिया जाता था, जिनके हाथ में कलम नहीं दी जाती थी, उनको पत्थर पकड़ाए जाते थे। आ गया वक्त, 50,000 नौकरियों का वक्त आ गया। अब वही कश्मीरी युवक, पर वहां के जो नेता है, मैं बता दूं जनाब आपको, वहां के नेता होशियार रहे, अब वो वक्त चला गया। हमने कश्मीरी युवक को जिन्होंने हाथ में पत्थर फेंका था, हमने कलम देनी है, हमने नौकरी देनी है, हमने रोजगार देना है, ये हमारा सबसे पहला काम है वहां करने का। अब तो 370 धारा की कोई बात करने का तो हमारा मुद्दा ही नहीं कि कश्मीर का मुद्दा अंदरूनी मुद्दा है, मुद्दा था ही नहीं, मैंने कभी उस मुद्दे को माना ही नहीं। मुद्दा खत्म हो चुका, हम आगे विकास और तरक्की की बात करें। बात आपको स्पष्ट करूं, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, ये कोई मुद्दा नहीं। आज प्रथम राष्ट्र, हमने राष्ट्र को प्रथम माना है, हमारा धर्म भारत मां, हमारी जात वंदे मातरम। 70 साल की कैंसर की बीमारी मत सोचिए राहुल जी, मोदी जी, बिल्कुल ना सोचिए, सवाय एक पॉलिसी पे चले हम। इतने जवानों की शहादत हो गई, इतने बहनों के सुहाग उजड़ गए, इतने बच्चे यतीम हो गए, चाहे कश्मीरी कई भाई मारे गए, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित शहीद हो गए, वहां घर छोड़ के चले गए। 70 साल की कैंसर की बीमारी को मौत का कफन बांध करके अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने कर दिया है तो क्या किसको तकलीफ है? सवाल सबसे बड़ा है कि वहां पे 2-3 ऐसे नेता हैं जो चाहते कि उनकी दुकानदारी चलती रहे, जेट प्लस सुरक्षा में भी घूमते रहे, दुकानदारी भी चलती रहे, पत्थर भी फेंके जाए, जवानों पे भी गोली चलती रहे और पूरे देश में हलचल मचाई जाए और पूरी दुनिया में कश्मीर एक मुद्दा है। आज बताओ कौन सा कश्मीर मुद्दा है? ये कहते ट्रंप ने बोला, ट्रंप ने तो बोला ही नहीं, रशिया ने बोला हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, आज यूनाइटेड नेशन ने बोला, किसने नहीं बोला? बांग्लादेश कौन सा मुल्क? अरे सुनिए, कौन सा मुल्क खड़ा हुआ आज दुबई के अंदर? हमारा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दुबई के अंदर जाते हैं, उसका स्वागत होता है। मुस्लिम कंट्री,
सेकुलर कंट्री, और आप जाते ट्रंप के पास किस तरीके से, वहां के अमेरिका के ट्रंप राष्ट्रपति किस तरीके से उनको मिलते। सवाल भाई साहब मैं आपको स्पष्ट कह दूं, हम आगे विकास की बात करें, हम तरक्की की बात करें, हम मजबूती की राष्ट्र को बात करें, यह तो जो होना था हो चुका, ये तो कंफ्यूजन थी नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दी। अब जो जो पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे से हटेगी उसको कल को जनता उसकी जवाब देगी। जनता सामने बैठी है, ये जनता हमारी नहीं है, ये जनता बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, ये जनता है झूठ बोलते जनता को, वहां कहते आपके राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, अरे कौन वहां राइट टू एजुकेशन है, आप कहते हैं राइट टू एजुकेशन नहीं है सकता हूं पूरे देश में। और मुझे आज आश्चर्य नहीं, मैंने इससे पहले भी बोला, आज आज जब नेहरू जी के खिलाफ बोलते हैं, जब महात्मा गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, आज उसमें भी ताली बजती है। ये भारत में फर्क और ये चिंताजनक है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा, अच्छा उन लोगों के खिलाफ जब बोलते हैं उनके खिलाफ भी तालियां बजती है। तो मुझे इसलिए आश्चर्य दुख नहीं होता है कि अगर आज हम कोई बात करें कि लोकतंत्र का संविधान जी, अब हम लोग एक मिनट, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो ये कश्मीर मुद्दा है, जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलके वार्ता से, ये राजनीतिक मुद्दा है, इसका एक राजनीतिक हल होना चाहिए। हमारा देश इतना मजबूत है कि वो भल पे वहां कश्मीर को अपने साथ भूमि को, लेकिन वहां के अवाम को जो इससे गुस्सा इस वक्त है कि जो दूर हो रहे, कह रहे एक संविधान में ये भारत के पार्लियामेंट ने हमें अच्छा दिया था, जब हमने हाथ मिलाया था भारत ने माना था ये चीजें हमारे साथ, संघीय ढांचा है, फेडरलिज्म है, तो हमें दिया था उन्होंने, हिस्ट्री में जा जाइए, दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था, नेहरू जी ने दिया था, पार्लियामेंट ने, भारतवर्ष ने दिया था, आपने चोरी चोरी चुपके से आके हमसे छीन लिया, हमें पूछने के लिए। आपने मुझे बताइए, हमने पंजाब के अंदर जब टेररिज्म था, हमने मौत का कफन बांध करके रक्षा की, हमने 14 बार बम गोलियां शरीर पे खाए, हम एक सरदार थे, पर हम प्रथम राष्ट्र, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात बंदे मातरम। आपने क्या किया? कश्मीरी पंडित हजारों चले गए, हजारों मारे गए, हमारे जवान शहीद हुए, हमारे जवानों पे पत्थर फेंके गए, आपने क्या जिम्मेदारी निभाई इस देश की जनता को बताइए, बताइए आपने क्या जिम्मेदारी निभाई, बताइए, फिर कहने के हकदार बनिए अगर जिम्मेदारी निभाई। मैं ये कहना चाहता हूं जवाब दे कि जो सरकार के आंगड़े है, मेरे बदकिस्मती से मेरे पंडित भाई जो है उनका दुख हमें है, 217 सरकार के आज आपके पंडित भाई उस वक्त निकाल 40,000 प्रधानमंत्री जी आपने किया, 40,000 चालीस, सुनिए 270 हटी मंत्र भाई हो गए, सुनिए आप मेरी बात, 40,000 प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बार-बार जिक्र को करते मारे गए, उसका मतलब हुआ 40,000 मुस्लिम लोग भी मारे गए, उसका अर्थ यह हुआ कि जब वहां बंदूक है उसका मानवता शिकार है। मैं जब था बचपन में था, मेरा पिताजी भी इसका शिकार बना, उसको भी मारा गया। तो इसलिए आप कहेंगे कि इसने किया उसने, इसलिए हम कह रहे हैं कि वार्ता करिए, वार्ता से समस्या का समाधान करिए। पहले बोलिए, बुरहान वानी जो है एक आतंकवादी था, बोलिए बोलिए सबसे पहले बोलिए। आप चुप रहिए, नहीं नहीं हम जानना, मैं अपना समय आपको दे रहा हूं, बोलिए पहले। देखिए मैं आपका आपके कहने पे ये सब मैंने अपना स्पष्टीकरण मुझे बताइए, बिटा साहब और गौरव भाटिया जी जिनकी सरकार थी पंजाब में, इन्होंने मेमोरियल बनाया है बिंद्रावाला के नाम, कहां चले इन्होंने, दोनों इनकी सरकार थी, अकाली दल और भाजपा की बिंद्रावाला का मेमोरियल, पहले वो हटा के फिर मुझे थोड़ा आप हंसते क्यों इस पे? अब मेरा आपके पास मेरा दूसरा सवाल, अब पहले पहले पहला तो आप नहीं उत्तर दे पाए, कोई नहीं दिया आपने प्रश्न का उत्तर, नील बड्डे सन्नाटा हूँ ठीक है, मैंने बोला नहीं, आप खुद कह रहे हैं आप देश विरोधी, मैंने नहीं कहा, खुद ही बोलने लगे आप, मैंने तो नहीं कहा, ये खुद ही बोल रहे हैं, कह रहा हूं जो सत्य की बात कहता है। सुनिए क्या कहा था महबूबा मुफ्ती ने, यही कहा था कि तिरंगा डंडा पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, हम यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून का तिरंगा डंडा हर व्यक्ति के हाथ में हो, लहराया जाए, लहराया क्या? हमारी आपसे अब कोई लड़ाई नहीं, ये तो आपने लड़ाइयां डाली हैं, ऐसा होगा वैसा, अब होना ही कुछ नहीं, जो हो चुका हो चुका। अगर आप वहां के पॉलिटिकल लीडर हैं, आप अच्छे एक व्यक्ति हैं,
तो पुरानी चीजों को छोड़ करके जो नौजवानों ने पत्थर उठाए उनको रास्ते पे लाइए ना। हमने भी पंजाब के अंदर गोलियां तो नहीं चलाई, गोलियां पुलिस अपनी चलाती रही, पर हम तो नौजवानों को, चार नौजवानों को इकट्ठा करते थे, तिरंगा झंडा पकड़ाते थे, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और जब पाकिस्तान हमारे पे बम चलाता था, याद करिए वो दिन, पाकिस्तान को बता देना चाहते, वाघा बॉर्डर के अंदर, आपके जम्मू कश्मीर बॉर्डर के अंदर 2-2 लाख की भीड़ लेके, तिरंगे झंडे लेके निकले थे। क्या कहते थे पाकिस्तान के रेंजर उस वक्त? कहते थे बेटा को कहो गाड़ी देना बंद करें तो गोली चलाएंगे। हमने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये 2 लाख की भीड़ तिरंगे झंडे लेके तेरे लाहौर में घुस जाएगी। ये हिंदुस्तान के लोगों में जनाब अभी इतनी शक्ति है, ताकत है, फौज को तो छोड़ दीजिए, आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति तिरंगा झंडा लेके अपने घर में खड़ा है। इस कश्मीर की, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए जनाब आप कौन सी, छोड़िए कांग्रेस बीजेपी सीपीएम सीपीआई, पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी, बात प्रथम राष्ट्र की कीजिए। अगर नरेंद्र मोदी ने किया है, खुल के कहता हूं, इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूं, खुल के कहता हूं आज रहना है कल जाना है, नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है जड़ से कैंसर की बीमारी उखाड़ करके आपको शांति दी है। और याद रखिए अब किसी बहन का सुहाग नहीं उजड़ेगा, अब कोई बच्चा यतीम नहीं होगा, अब खून की नदियां नहीं बहेंगी। कहां का न्याय है जिनके बारे में आप फैसला करते उनसे नहीं पूछते हैं? क्या बोलते हैं आप? क्या ये मसला नहीं है? मुझे बताइए, क्या शिमला एग्रीमेंट पढ़ के आए? क्या वो भारत सरकार ने नहीं किया था जिसमें लिखा है ये राजनीतिक मुद्दा है? क्या कल संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू कश्मीर की चर्चा नहीं की? क्या क्या बोल रहे हैं सबको? कल मरना सत्य बोल जो ग्राउंड रियलिटी है वो बताइए। कश्मीर एक मुद्दा है, उसे हल करिए। क्या कहा अफजल को? अफजल आपका हीरो है जिसने पार्लियामेंट के संविधान पे हमला किया। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, हम वो जो आपने हमसे छीना है चोरों की तरह, संविधान ने आपको वापस लेके रहेंगे, बिल्कुल नहीं लड़ते रहेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। अंग्रेज भी ऐसी बात करते थे 70 साल पहले, अंग्रेज भी आपके अंग्रेज थे, लेकिन आज हम तो कहते हैं हम लड़ते रहेंगे और अपने जो अधिकार है वो हासिल करके रहेंगे। लड़िए, उनकी उनकी जगह भी कहीं और होगी, याद रखना, पत्थरबाजों के हाथों में कलम होगी और जो जो आप जैसे उनकी जगह कोई और होगी। हम विश्वास रखते हैं, अहिंसा से लड़ेंगे, गांधी जी के तरीके पे लड़ेंगे और अपने अधिकार लेके रहेंगे। जब कश्मीर के अंदर बाढ़ आई थी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारा भाई, हमारा पिता, कोई आतंकवादी भी था, चाहे हमारे जवानों पे हमला करने वाले पत्थरबाज भी थे, जब सब बह रहे थे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ये नहीं देखा ये कोई मुसलमान है, ये हमारा दुश्मन है, हम फलानी पार्टी को, उन्होंने फौज को भेजा और सबको वहां पे बचाया, कोई फर्क नहीं रखा वहां पे, सबको बचाया। सवाल सबसे बड़ा यह कि 370 धारा का मुद्दा आपको भी कहना चाहूंगा जीटीवी वालों को कि इस बात की चर्चा करनी बंद करें और अब ऑक्यूपाई कश्मीर की चले, ये चर्चा करते रहेंगे, ये किताबें पढ़ते रहेंगे, इन किताबों की किसी को समझ नहीं आती, ना मुझे समझ आती है। हमने लड़ाई लड़ी, सीधी एक चली, सोच चलाई, हम इन किताबों को नहीं जानते, भारतवर्ष में बेटा साहब मोदी जी भी है, केवल उनका ही मानिया। नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला किया है देश की जनता को लेके, अपने जवानों की शहादतों को लेकर के, रोज माहों के बेटे जा रहे, बहनों के सुहाग उजड़ रहे, बच्चे यतीम हो रहे, खून की नदियां बह रही, भी कितनी देर तक होगा? अब देखो किसी जवान की बॉडी आई, भगवान करे आगे ऐसा ना हो। बताइए मुझे, पिछले 5 साल के अंदर 26/11 की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई, कोई ब्लास्ट हुआ, कोई गोली चली, दीनानगर की हुई, वो पाकिस्तान में हमारी पीठ पे छुरा मारा, जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान में गए, हमने विरोध किया, पर उसके बाद पाकिस्तान ने धोखा दिया, आज एक गोली चलती 100 गोली का जवाब दिया जाता है, और ऐसा ही दिया जाएगा। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, और 370 धारा का मुद्दा नहीं रहेगा, याद रखिएगा। बस आप लोगों से अपील है कि राजनीतिक सोच बनाने के दौरान आप समाज के हर पहलू के बारे में सोचें, आपकी राजनीतिक चेतना को जागरूक करना जी न्यूज का दायित्व है।